इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज करने के यहाँ पर थ्री मेथड हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये जो थ्री मेथड हैं, अब इसमें इनको समझते हैं कि किस तरह से हम किसी बॉडी को कैसे या ऑब्जेक्ट को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन में दो मटेरियल हैं, उनको हम रब करते हैं। तो रब करने से क्या है, एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मटेरियल पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट होती है ना, या रब करने से एनर्जी जनरेट होती है, और एक एनर्जी से जिसके भी लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन हैं वो उससे बाहर निकलेंगे और वो दूसरे जो मटेरियल है उस पर आ जाएंगे। ठीक, तो इसका हमने जो L1 लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है, उसमें हमने देखा वो कैसे हम उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अटैक्ट कर रहा था इसको, पीस ऑफ पेपर को, जो हमारा कॉम था। तो जो यहाँ पर ये है कि हमने कॉम को रब किया नाइलॉन क्लॉथ के साथ और उसके बाद इस पर ये चार्ज आ गया। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, वो हमने जो टाइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है ना, वो जो टेबल देखी उसके अकॉर्डिंग, तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो जो नाइलॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये चार्ज बाई है इंडक्शन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे, फिर वापस इस पर आएंगे। तो ये है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये पीस ऑफ पेपर हैं ये भी चार्ज हो रहे हैं, सही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह ये डाइपोल बन रहा है ना, पोलराइज हो रहा है। ठीक, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी हम फ्रिक्शन पे ही फोकस करते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकल जो करके देखा है, L1 जो लेक्चर है उसमें हमने किया था। और अब एक दूसरा और है, ये भी हमने इसको डिस्कस किया है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो जो बॉडी है ना, इस पर हमने साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है रिपल्शन फोर्स लग रहा है इसके हेयर पे, हेयर के बीच में। तो हो क्या रहा है, किस वजह से है, क्योंकि ये जो बॉडी है इसकी वो चार्ज हो गई। ठीक, तो ये जो प्लास्टिक का जो स्लाइडर है और जो इसके यहाँ पर क्लॉथ हैं, तो ये दोनों जब रब हुए, तो रब होने से एक बॉडी पे एक तरह का चार्ज है और दूसरी बॉडी पे दूसरी तरह का चार्ज है। ठीक है, तो एक के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे इस पे आ गए, दूसरे मटेरियल पे, सही। तीसरा है, अब ये तो हो गया एक जो इसका स्केल है इस तरह के चार्ज का, वो काफ़ी कम है। अब हमें अगर ज़्यादा स्केल करना है तो उसके लिए वेंडेग्राफ जनरेटर है। तो वेंडेग्राफ जनरेटर में क्या है, दो मटेरियल हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये एक्रेलिक ग्लास है ना, और जो ऊपर वाला रोलर है, ठीक, इसके ऊपर बेल्ट है रबर की। तो रबर को जब इसके साथ, तो जब रबर की बेल्ट को इसके इसके ऊपर लगाया हुआ है, जब इसको मूव कराते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर वेंडेग्राफ जनरेटर है, इसमें क्या करते हैं, जो चार्ज यहाँ से जनरेट हुआ, मतलब दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। जब भी आप दो चीज़ को, दो मटेरियल को रब करोगे, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो ये स्फेयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सही, तो ये एक्यूमुलेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। और जो नीचे वाला जो रोलर है ये मेटल का है, और ये जो बेल्ट पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा मेटल वाला है। तो एक इसको चार्ज जब ये चलता रहता है, तो चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है इस पर पॉजिटिवली और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर ये चार्ज जो है ना, ये क्या करेगा, अगर इसको नियर अबाउट लाते हैं तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक एग्जांपल है कि जो थंडर स्टॉर्म है ना, लाइटिंग होती है उस टाइम जो हमारे क्लाउड के अंदर, तो जो लाइटिंग होती है तो वो किस वजह से होती है, तो वो सीधा इसका एक तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहाँ पर जो चार्ज जितना जो होता है, तो ये जो वेंडेग्राफ जनरेटर है ये 20 मेगावोल्ट तक चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है। तो इस तरह की बड़ी मशीनें हैं, है ना, तो इसमें छोटा भी है और बड़ा भी है, तो मार्केट में अवेलेबल है। कोशिश करूँगा एक इस पर कोई डेमो बनाने की, मतलब प्रैक्टिकल करने की। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल को करेंगे। तो जो कॉम है ये टच नहीं है, ये भी इसमें एक इसको मतलब जब बनाते हुए अगर इसका डायग्राम बना रहे हो तो ध्यान रखना कि ये टच नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है। तो
जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि जो डिस्टेंस है इसकी, तो इस पर नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि वो अपने को न्यूट्रल करने के लिए वो उस चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये जो लाइटनिंग है या स्पार्क है ना, उतना ही ज़्यादा ये फील होगा, ठीक है। तो रीज़न ये है कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, तो जब वो स्पीडली जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उस स्पीड में वो लाइटिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अगर वो जा रहे हैं तो उसके बाद क्या वो हीट होते हैं, तो हीट होके वो क्या करते हैं लाइट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड है तो स्पीड से लाइटिंग जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है, ये भी स्टैटिक जो फ्रिक्शन जो है आपका चार्ज बाई फ्रिक्शन उसका एग्जांपल है। तो ये मेनली ये रोलर है ना, एक्रेलिक ग्लास का और रबर की बेल्ट, यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है और इसको चार्ज को हम क्या कर रहे हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है। अब आते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन पे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये दो मेटल स्फेयर्स हैं और इनको माउंट किया हुआ है, ये यहाँ पर जो नीचे जो दिया हुआ है जो स्टैंड है वो सब इंसुलेटेड है, ठीक है, और ऊपर ये मेटल के हैं दो स्फेयर्स और इन दोनों को टच किया हुआ है। तो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, हम किसी को रब नहीं कर रहे, ये पहले से कोई चार्ज है एक जो ये पीस लेके आए हैं, सही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम नियर अबाउट लाते हैं स्फेयर के, तो ड्यू टू इंडक्शन तो जो मेटल जो यहाँ पर है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं दूसरे को, है ना। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वो फार एंड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ा है ना, जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज जो लाइक चार्ज हैं जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अटैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में चले गए तो इधर फिर क्या बचेगा, इधर पॉजिटिव आयन बचेंगे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, और यहाँ पर इसके जो फार एंड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये फार एंड पे आएंगे, तो जितने फार एंड पे इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो एटम पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब सारे एक तरफ चले गए, सही है, तो उधर एटम एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक। अब इसको चार्ज हमने अब यहाँ पर हमने क्या किया, ड्यू टू जो इंडक्शन है उससे हमने इसको एक तरह से पोलराइज कर दिया, तो एक तरफ यहाँ पर पॉजिटिव है जो स्फेयर है और इधर ये नेगेटिव है। अगर इन दोनों को इसको रखते हुए जो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है एक साइड में इसको रखते हुए इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। तो अब ये दोनों स्फेयर अलग अलग चार्ज से है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है, जब हमने इसको सेपरेट किया बी वाले स्फेयर को जो नेगेटिव वाला है, तो जो चार्ज है जैसे यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये जो फार एंड है ये वहाँ पर पहुँच गया था, पर जब इसको अलग किया इससे दूर किया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं, है ना। तो जितना हो सकता है उतना रिपेल करेंगे, तो अब जितना भी इसकी सराउंड है ना, जितना भी सरफेस एरिया है स्फेयर का, तो उसमें मैक्सिमम जितना वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं उतना करते हैं, तो वो इक्वली डिस्टेंस पे वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव आयन के साथ है, तो जो पॉजिटिव आयन है जब इसको आप रिमूव करोगे तो जब तक इसको लगाए रखोगे तब तक इधर ये अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयन इसकी तरफ आएंगे इसकी साइड में नेगेटिव साइड में, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब उसको हटा दोगे तो वो भी आपके है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो सरफेस है स्फेयर का, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका एग्जांपल, तो ये भी इंडक्शन से है ना, ये कोई चार्ज रोड है
पॉजिटिव चार्ज रोड है, ठीक है। और इसको अगर मैं नियर अबाउट लाता हूँ इस मेटल प्लेट के, तो जो मेटल प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ आएंगे, और जो फार एंड है वहाँ पर पॉजिटिव आयन आएंगे। तो पॉजिटिव आयन आएंगे तो ये क्या है, जो यहाँ पर जो लीफ लगी हुई है एल्यूमिनियम की हो या कॉपर की हो या गोल्ड की हो, वो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। सिंपल है। तो ये चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन से चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे सेपरेट किया, वो वाला मेथड है कि हमने उन दोनों बॉडी को अलग अलग चार्ज कर दिया। तो यहाँ पर हमने किसी बॉडी को चार्ज नहीं किया, बस ये बता रहा हूँ कि इंडक्शन का इफेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई बलून को, जो रबर बलून है, उसको आपने ड्राई हेयर के साथ उसको आप रब करो, या उसको रब करो किसी वुलन क्लॉथ के साथ, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है उसमें सबसे नीचे है रबर, ठीक है। वो बैलून रबर, शायद जो बैलून वाली रबर है वो थोड़ी ऊपर है ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा, जब उसको आप फ्रीली छोड़ोगे, तो वो जो वॉल है से है, उससे इधर या उधर कोई, अगर चाहे वॉल हो, चाहे आपका आयरन गेट हो, चाहे आपका कोई भी और हो, तो वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ वो है ना पुल होगा, हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होने की वजह ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो बॉडी है, ये जब भी किसी के पास जाएगी, तो वो बॉडी अपने आप ही ड्यू टू इंड्यूस इंडक्शन, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके जो नियर सरफेस पे, जो इस बॉडी के बलून के जो नियर सरफेस है, उस पर पॉजिटिव आयन आएंगे, वो नेगेटिव आयन छोड़ के वो दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उस तरह फील होता है कि जो आपका बलून है, वो किसी, जो चार्ज बलून है, वो किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कोई ऑब्जेक्ट उसको एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह का फील होता है, ठीक। अब जो चार्ज बाय इंडक्शन है, इसमें एक और एग्जाम्पल ये कोम वाला है, सही है। तो जब चार्ज बाय फ्रिक्शन किया और इससे हमने पेपर को उठाया, तो ये ड्यू टू इंडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, और हम जो पीस ऑफ पेपर के पास इसको लेके आए, तो जो पीस ऑफ पेपर है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे, फार एंड पे पहुंच गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नियर आया इस नेगेटिव चार्ज कोम के, और तो उससे क्या होगा, ये एक दूसरे को अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैक करेंगे, और पर क्योंकि दोनों इंसुलेटर हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता है, समझ रहे बात, ठीक है ना। तो वो अटैक करेगा, बस इसके साथ वो चिपका रहेगा, ठीक। अब आते हैं एक दूसरी तरह से। अब यहाँ पर तो हमने दो स्फेयर लिए थे, है ना, तो दोनों को एक पे लगाया, दूसरे स्फेयर पे नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, जो नेगेटिव चार्ज लाए। अच्छा, अभी आपके लिए है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाते हो, कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हो, तब स्फेयर ए पे कौन सा चार्ज आएगा और स्फेयर बी पे कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। ये अब आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। अब एक और है, इबोनाइट की रोड है और वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको किसी स्फेयर के पास लाते हैं, तो उस स्फेयर के एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, जो इबोनाइट रोड है, सही है, जो उसके नियर अबाउट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, और उसके जस्ट अपोजिट, सही है, जो फार एंड है, उस पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने, जो दूसरी साइड है, सही है, जस्ट इसके अपोजिट साइड, उसको हमने कनेक्ट किया एक वायर से, और वायर को कर दिया ग्राउंड, ठीक है। तो वायर को ग्राउंड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो अर्थ हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अर्थ हो जाएंगे। कभी भी पॉजिटिव आयन जो है वो अर्थ नहीं होते हैं, सही है, क्योंकि पॉजिटिव आयन वो इमोबाइल हैं। इमोबाइल का मतलब है वो मूव नहीं करते हैं, वो एटम है तो वो कहाँ से मूव करेंगे। तो नेगेटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ के चला जाएगा अर्थ में, ठीक है। और उसके बाद इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, तो ये जो स्फेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, ठीक है, सरफेस पे। नेक्स्ट है चार्जिंग ए नेचुरल ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या कराते हैं, टच कराते हैं। तो यहाँ पर एक ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा न्यूट्रल है, तो जब इसको आप टच कराओगे, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल जो है ये भी इलेक्ट्रोस्कोप का है,
ठीक है। तो जब भी इसको आप इसको टच कराओगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, सही है, वो यहाँ से इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये मेटल है ना। तो मेटल क्या है, कंडक्टर है, तो ये भी कंडक्टर है, जो स्फेयर है ये मेटल स्फेयर है, और नीचे ये जो है इंसुलेटेड, इसका हैंडल है, तो इलेक्ट्रॉन ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन तो तब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम ना हो जाए, क्योंकि जब तक इधर कम है तब तक इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आते रहेंगे, तब तक अट्रैक्शन रहेगा। पर जब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी इतने हो जाएं कि वो एक दूसरे को फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, मतलब ये चार्ज जो ये बॉडी है, जो हमारा नेगेटिवली ऑब्जेक्ट चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, वो सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं बन जाएगा, इक्वल चार्ज नहीं हो जाएगा, तब तक वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, और जब अगर वो इक्वल हो जाए तो वो ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी इस पर भी नेगेटिव चार्ज रह गया और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने एक लीफ टाइप का इधर लगाया हुआ है, तो जैसे ही चार्ज आया तो चार्ज चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और सेम वे में ये भी होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसको भी रिपेल कर रहा है, पर ये महसूस नहीं होगा क्योंकि ये हैवी है और ये लाइट वेट है, तो ये क्लियरली दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रोस्कोप को लिया हुआ है, तो पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है उसको हमने टच कराया, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोस्कोप के, जो मेटल है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो निकल के चले जाएंगे इस बॉडी में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में चले जाएंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल के इसमें चले गए, ठीक है ना, इस बात को समझना। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर चले गए, और जो इसके जो एटम हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गए, वो सब पॉजिटिवली अब चार्ज हो गए, जितने जिस जिस एटम का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उन पर पहले से ही वैकेंसी थी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उनका पहले से ही निकला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेके और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, और वहाँ पर उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बनेगा इस मेटल का, ठीक है। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना, यानी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रो जो स्कोप है उससे, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, तो उसमें फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक। और जो यहाँ पर लीफ है, वहाँ पर साफ दिख रहा है, यहाँ पर जब ये अनचार्ज था तो लीफ का कोई मूवमेंट नहीं था, है ना, तो डिस्टेंस पे थे, और पर जब चार्ज आया तो ये, है ना, एक दूसरे को रिपेल करने लगे, ठीक। तो रिपेल कर रहे हैं, सेम केस है। तो वहाँ पर हमने जो सेम इसका मेटल का देखा था, ये वाला केस, तो यहाँ पर इबोनाइट रोड को इससे हमने टच नहीं किया था। कंडक्शन में क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इसको जब टच करेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, ठीक है। और वो जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी तब तक वो चार्ज इधर ट्रांसफ़र होता रहेगा, और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, इसको हटा दो, और इस पर फिर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो पूरा चार्ज नहीं आता है ना। तो ये बॉडी के सरफेस पे भी डिपेंड करता है कितना चार्ज आएगा कितना नहीं। अगर बॉडी का सरफेस, अगर सपोज़ करो जो इबोनाइट रोड है इसका जो सरफेस है, सही है, वो 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट है, ये मान लेते हैं सरफेस एरिया, और इसका है 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये जो चार्ज जो एकोमोडेट करेगा, जो स्फेयर है वो इससे डबल चार्ज एकोमोडेट करेगा, सही है। तो सपोज़ करो अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था इबोनाइट रोड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्लियर है। तो सरफेस एरिया पे ये डिपेंड करता है, अगर दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है तो इक्वल इक्वल चार्ज आ जाएगा, सिंपल है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना, और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि ये अंबर एक है और इधर क्लॉथ, तो अंबर पे नेट चार्ज 0 है और क्लॉथ पे भी नेट चार्ज 0 है, पर जब इनको रब करेंगे तो रब करने से एक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर आ जाएंगे, अंबर पे आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर रब किया, और रब करने से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ गए,
अंबर पे आ गए, तो दो इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ पर पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया, माइनस फोर हो गया, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, सही है। और इस मटेरियल से दो इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो इस पर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर जब इनका दोनों का टोटल करेंगे, है ना, इन दोनों का, इन पे कितना चार्ज है, जब उसका टोटल करेंगे तब भी जीरो आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, वो यही कहता है कि कोई भी जो चार्ज है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस जस्ट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो बस वो ट्रांसफ़र हुआ है, बाकी चार्ज दोनों का अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो यहाँ दोनों भी लेके चलेंगे, यहाँ पे भी दोनों का नेट चार्ज जीरो था, रब करने के बाद भी नेट चार्ज जीरो ही है, पर बॉडी जो है वो दोनों पर अलग अलग चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट चार्ज जब तक उसको रब नहीं किया था तो दोनों का जीरो जीरो था, पर जब रब किया तो दोनों का जो चार्ज है वो चेंज हो गया, तो इस पर नेगेटिव आया और इस पर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन क्लोथ से इलेक्ट्रॉन आए अंबर पे, तो क्लोथ का जो चार्ज हो गया वो पॉजिटिव हो गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आए उस पे नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, अब इसको अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए इसको यहीं रोकता हूँ।